सरकार और विभाग के लाख कोशिश के बाद भी बिहार सहित भारतवर्ष में लाखों बच्चे शिक्षा एवं बाल अधिकार से महरूम, नशे एवं बाल श्रम से जुड़े अपने जीवन और बचपन को खो रहे हैं। आइए आपको एक ऐसे ही कहानी से रूबरू कराते हैं। गुरु की अनोखी मुहिम प्लेटफॉर्म पर सवार रहे भविष्य, आज आपको एक ऐसे गुरु की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी गुरु की पहल को सलाम करें। बेगूसराय के एक शिक्षक दंपत्ति जो नशा के गुलाम बने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देकर न सिर्फ उनका बचपन बचा रहे हैं बल्कि उनके भविष्य को संवारने का बीड़ा उठा लिए। बरौनी जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म पर ककहरा पड़ रहे इन बच्चों की तस्वीर देखिए। पिछले 8 साल से मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाले वैसे बच्चों को शिक्षा और नशा मुक्ति का अभियान चला रहा हूं, जिनका अपना कोई सक्षम गार्जियन नहीं है। इनमें से अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने माता पिता नहीं हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो ट्रेनों में छूट गए, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर से भाग करके यहाँ चले आए और वहीं का होकर के रह गए। ऐसे तमाम बच्चे पहले ट्रेनों में झाड़ू लगाते थे, कचरा चूते थे, भीख मांगते थे एवं नशा भी करते थे। उनका रहना सहना सारा स्टेशन पर ही होता था। हमारा यह शैक्षणिक एवं नशा मुक्ति अभियान बरौनी जंक्शन के सिर्फ इन 40 बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ बरौनी बिहार एवं भारतवर्ष में जितने भी अनाथ बेसहारा बाल श्रमिक बच्चे हैं उन्हें सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा एवं बाल अधिकार मिले और वे हमारे समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकें। जो बच्चे कल तक पढ़ाई से कोसों दूर थे, कोई बाल मजदूरी करता था तो कोई नशा की गिरफ्त में, लेकिन अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे ये शिक्षक दंपत्ति बेगूसराय के सुखहरा निवासी अजीत कुमार एवं शबनम मधुकर हैं, जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मुफलसी की जिंदगी गुजार रहे अनाथ, बेसहारा और नशे के आदि बने बच्चों के बीच ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। इनकी कोशिश है कि गुमराह हो चुके बचपन को पटरी पर लौटाया जा सके और ये बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह साक्षर और शिक्षित हो सके। बरौनी जंक्शन पर रोज दर्जनों ट्रेनें गुजरती हैं और ये बच्चे उसी भीड़ में कभी पॉकेट मारो के आरोप में पिट जाते थे तो कभी चोरी में पकड़े जाते थे, लेकिन शिक्षक दंपत्ति की पहल से अब बच्चों पर ये तोहमत भी नहीं जरे जाते। शिक्षक तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन शिक्षक अजीत और उनकी पत्नी की पहल सबसे अनूठी है। मानो इन्होंने अपना जीवन इन अनाथ और बेसहारा बच्चों के नाम समर्पित कर लिया हो। ये वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगी में कभी शिक्षा एवं ज्ञान की रोशनी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये शिक्षक दंपत्ति इन मासूमों की आंखों में सुनहरे कल का सपना सजा रहे हैं ताकि ऐसे बच्चों के गुमराह हो रहे बचपन को बचाया जा सके। अजीत और शबनम मधुकर को देखकर अब उनके बेटे दिव्यांशु भी इस मुहिम से जुड़ गए हैं और बच्चों को योग के साथ अन्य गतिविधियों में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं पापा के इस अभियान में उनके साथ हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चों को खेलकूद व योगा में प्रशिक्षित करता हूँ। अपनी मम्मी पापा के शैक्षणिक अभियान से जुड़े बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूँ। लोग बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाह रखते हैं, लेकिन मैं बड़ा होकर अपनी मम्मी पापा की तरह एक अच्छा सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ गीत, संगीत, पहेली, मुक, अभिनय, चित्र, तालियाँ और चुटकियों जैसे रोचक गतिविधियों के माध्यम से भी भाषा और गणित की पढ़ाई करवाई जाती है। पढ़ाई के साथ शिक्षक दंपत्ति चंदा इकट्ठा कर इन बच्चों के कपड़े और भोजन का भी ख्याल रखते हैं। शिक्षक अजीत की माने तो इन्हें यह प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि अजीत का बचपन अपने पिता के साथ बरौनी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजरा है। अपने इरादे के मजबूत और धुन के पक्के अजीत शुरू से पढ़ लिखकर शिक्षक बनना चाहते और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर वर्ष 2004 में मध्य विद्यालय रेलवे बरौनी में भाषा एवं गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और अब बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म पर भी
पाठशाला लगाते हैं। सही कहा गया है कि गुरु अगर ठान ले तो समाज की बिगड़ी तकदीर बदल सकती है, और अजीत दंपति शायद इसी मुहिम में जुटे हैं ताकि शिक्षा से कोई भी बच्चा महरूम न हो। एक जा की खास रिपोर्ट।